पार्टी साइटी तो बहुत होगी, मैं पार्टी का हेमिल का नाइट लाइफ यानी नेपाल का नाइट लाइफ का वीडियो तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम ये हो गया, जैसे कि मैं बात कर रहा था स्कैम्स के बारे में, स्कैमर्स के बारे में, तो स्कैमर्स के बारे में अभी कुछ डिटेल में बताऊँगा क्या हुआ मेरे साथ। बात करें स्कैम और स्कैमर्स की, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आप अगर हेमिल आते हैं, काठमांडू आते हैं, अगर आपको नाइट लाइफ देखना है या फिर आपको क्लब बार या पब में जाना है तो बेफिक्र होके जाइए, बट किसी के बहकावे मत आइए। लेडीज आपके पास आती है टू हैव लाइट आई वांट टू स्मोक, ऐसे करके आपको एक्सेंट से बात करती है तो आपको लगता है कि वो वहाँ की लोकल है, बट ये एक्चुअली एक स्कैम होता है। वो आपके आपको आपके अपने पास वो अपने बार में ले जाती हैं और वो एक लंबा चौड़ा बीर बना देती है कि मुझे एक ऑरेंज जूस पीना है या फिर ऐसा कोई जूस पीना है, तो ऐसा कोई बिल बना देती है। तो आप खुशी खुशी यार इतनी गोरी लड़की है मुझे अप्रोच कर रही है, तो है ही गोरे दिल देख के बस बस बात नहीं है, तो हम उनको लेकर बाद में चले जाते हैं, वो एक लंबा चौड़ा दिल बना लेती है। एक्चुअली आपको पता तो कोई बात नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, वो एक लंबा चौड़ा दिल बना लेती है। हालांकि ऑरेंज जूस का दाम होता है 1200 रुपया, खैर मेरे लिए तो 1200 रुपये बहुत हार्ड है क्योंकि मैं मिडिल क्लास बजट ट्रैवलर हूँ। तो मेरी राय यही है आप आराम से किसी बार में जाइए, किसी पब में जाइए, आराम से आप ड्रिंक कीजिए या नाइट लाइफ एंजॉय कीजिए, बट किसी स्कैमर्स के बारे में मत पढ़िए। बहुत सारे हॉकर्स मिलेंगे जो आपको अप्रोच करेंगे कि आप मेरे बारे में आइए, आपको मैं 30% डिस्काउंट दूंगा, आपको मैं 40% डिस्काउंट दूंगा, आप मेरे नेबर कंट्री है, आप इंडिया से हैं, माय गॉड आप इंडिया से हैं, मैं आपका नेबर कंट्री हूँ नेपाल से, तो आप मैं आपको माय गॉड बहुत सारा मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 30% 50%, पता नहीं नए नए लोग नए नए डिस्काउंट देते हैं, तो मैं भी 30% डिस्काउंट देख के मैं ऊपर गया। तो मैं देखा स्कैम की बात ये करूं, तो आप अगर बार में जाइएगा तो बहुत सारे बार एक्चुअली उन लोगों का सेटिंग पहले से ही रहता है, बार में बहुत सारी लेडी बार टेंडर्स रहती है, लेडी कुछ स्टाफ होती है, वो आपके पास में चिपक के आपके पास बैठ जाएंगी और वो अप्रोच करेंगे कि प्लीज मेरे लिए आप टकीला ला दो या फिर आपको कोक ला दो, हालांकि टकीला या कोक का प्राइस ही होता है 1000, क्योंकि आप इजीली एक बांध में जाते हो आराम से ठीक आ सकते हो, बट ये सारा स्कैम्स है तो आप किसी स्कैम से मत पड़िए। तो मेरा कोशिश यही है, मैंने तो ट्राई किया, मैं बहुत सारी कंट्रीज में गया हूँ, स्कैम्स को रूबरू इंटरेक्ट किया हूँ, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट उससे इंटरेक्ट करूँ और लाइव आपको रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट लाइव रिकॉर्ड करना इज नॉट पॉसिबल, तो मैं बाद में आपको बता रहा हूँ। यहाँ के लोकल जो फ्रीलांसर होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, उसके बहकावे में आइए सबसे पहला चीज, और दूसरा चीज आप अगर बार बार में जाते हैं तो किसी के चढ़ाने पे आप मत चढ़िए, कोई अगर आपको चढ़ाते हैं, मैं अपना घटना बताता हूँ, मैं जिस बार में गया था तो वहाँ पे मुझे बताया जा रहा था कि ओ माई गॉड यू आर फ्रॉम इंडिया एंड यू आर इंडियन यू डोंट हैव मनी टू पे, तो मुझे चढ़ाने की कोशिश करते मैं चढ़ जाऊँ और ज़्यादा पे कर दूँ, तो मैंने पे किया, ऑफ कोर्स मैंने पे किया 1200 जो बिल था मैंने पे किया, उसके बाद ये जनाब है 500 और ज़्यादा दे दिए, ये आपका टिप है। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप थामिल में हैं और यहाँ अगर नाइट लाइफ इंजॉय कीजिए, आप खुल के आइए थामिल में, नेपाल बहुत अच्छा कंट्री है, आप खुल के आइए नेपाल में इंजॉय कीजिए, यहाँ का बार बहुत आप शॉपिंग कीजिए, एक बार से निकलिए ड्रिंक कीजिए, एक बार से निकलिए दूसरे बार में जाइए, लेकिन किसी स्कैमर के बारे में मत पड़िए क्योंकि बात आती है टूरिस्टिक प्लेस की, बिकॉज एवरी टूरिस्टिक प्लेस हैज अ लॉट ऑफ स्कैमर्स, तो आप स्कैमर्स के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि हर देश के पास टूरिस्टिक प्लेसेस के बाद स्कैमर्स होते हैं। घुमक्कड़ दोस्त घुमक्कड़ दोस्त यूट्यूब में मोबाइल निकालिए प्लीज।